हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी किचन में। और आज हम आपके साथ मिलके एक नई रेसिपी बनाएंगे जो ठंडियों में ना खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या रात के डिनर में बनाइए या नाश्ते में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने पहले सारी तैयारियाँ कर लिया है। इधर मैंने ये जो पतली वाली पालक होती है ना, टेढ़ी पत्ती वाली, उसे ले लिया, अच्छे से धो के वॉश कर लिया 2 से 3 पानी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी मिट्टी आती है। तो जब भी आप पत्ते वाली सब्जी लाएँ उसे 2-3 पानी ज़रूर धोएं, और उसे ब्लांच कर लिया। और इधर मैंने सब्जी की भी तैयारी कर ली है, तो एकदम जो देसी यूपी स्टाइल सब्जी होती है ना, उसे बनाएंगे। तो पहले सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है, और उसमें डाली है थोड़ी सी हींग, और फिर 3 से 4 मिर्ची और 3 से 4 लौंग लहसुन की कली डाली है, और थोड़ा सा चटकने देंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी सब्जियों को डाल देंगे। तो इसमें मैंने नई वाली आलू ली है, और ये जो मटर भी अब आ रही है मार्केट में, वो मैंने फ्रेश मटर ली है, फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस इस आलू और मटर की सब्जी को हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे छौंक के साथ, और इसे 2 से 3 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से पहले इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जो हमारे घर के रेगुलर मसाले होते हैं ना, बस वही डालना है। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। डालने के बाद इसे हम चलाएंगे, और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। और फिर इसके ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और बीच बीच में चलाते भी रहना है। इधर देखिए, जो हमारा पालक था वो ब्लांच हो चुका है, और उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया था ताकि ठंडा हो जाए, तो हमें आटे लगाने में काफ़ी आराम रहेगा। तो ये देखिए, मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, और उसमें ये मैंने जो पालक ब्लांच की थी उसे ले लिया है। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिससे जो हमारे परौठे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाला है शुद्ध देसी घी। घी में ये सब्जी ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिससे ना इसका पराठे का स्वाद जो होता है दुगना हो जाता है। तो ठंडियों में मैं तो कहती हूँ आप घी का इस्तेमाल भरपूर करें, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, और हमारे खाने का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। और हल्दी, नमक, थोड़े से मसाले और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल डाल के हमें आटे को अच्छे से सॉफ्ट डो लगा लेना है। पालक से ही ये आटा गूंथ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो उसमें आप 1-2 चम्मच और पानी डाल के आटे को अच्छा सा गूंद लें, और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। इधर देखिए, मैंने ढक्कन हटाया, और 10 मिनट बाद सब्जी हमारी 50-70% कुक हो चुकी है। तो इसे हमें 2 से 3 बार ऐसे ही ढक ढक के पकाना है। और ये देखिए, 10 मिनट बाद हमारी सब्जी का स्टेज जो देखिए एकदम लाल हो चुकी है, और नीचे से बिल्कुल तला छोड़ दिए, यानी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। देख रहे हैं ना कितनी सुंदर और खिली खिली बनी है, और आलू भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं। तो सब्जी बनाते वक्त इस बात का आप खास ध्यान रखें कि जो हमारा तेल होता है ना, जब एकदम गर्म हो जाए तभी आप उसमें अपनी सब्जियों को डालें, जिससे ना सब्जी अच्छे से और जल्दी पक जाती है, और तले में लगती भी नहीं है। ये देखिए, हमारा सब्जी रेडी है, और इधर मेरा बेटा डाइनिंग टेबल पर खेल रहा है। ये देखिए, 10 मिनट के लिए मैंने आटे को छोड़ दिया था सॉफ्ट होने के लिए, ताकि जो आटा अच्छे से रेस्ट कर ले। और इधर देखिए, मैं चकले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, काउंटर टॉप को ही मैं अच्छे से क्लीन करके इसी पर बना देती हूँ। इसे ना जल्दी जल्दी बन जाता है, और काफ़ी आसान रहता है। तो इस आटे की हेल्प से आप कोई भी अपना आकार दे सकते हैं पसंद का। तो मैं इसे तिकोना पराठा बनाऊँगी। अगर यार कहा जाए ना, तो जो सिंपल पराठे से तिकोना पराठा काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, पता नहीं क्यों उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो बस इसे मैंने एक लंबी रोटी बनाई, उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया, और ये देखिए हम घुमाते फिराते अपने इस पराठे को शेप दे देंगे। और पराठे को मैं घी से ऑयल करूँगी, ग्रीस करूँगी, और घी लगाने के बाद हमारा जो पराठा है वो अच्छी तरीके से पूरा लाल हो जाए, इससे मैं थोड़ा सा इसे दबा दबा के प्रेस करके दोनों तरफ से अच्छे से पकाऊंगी, ताकि जो हमारे पराठे हैं वो थोड़े से कुरकुरे हो जाएं, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, मैंने दबाते हुए अच्छे से इसे पका लिया है, और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है, और ये हमारा पराठा रेडी है। इधर सब्जी भी रेडी है हमारी, तो इसकी मैंने प्लेटिंग कर ली है, साथ में खीरा रखा है। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब